ओम शांति। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज मैं आपके सामने ऐसी तीन बातें रख रही हूँ जिनको पढ़कर मुझे अच्छी अनुभूति का एहसास हुआ और शेयर करके कोशिश कर रही हूँ कि आपको भी अच्छी अनुभूति का एहसास हो। एक बार चिड़िया ने मधुमक्खी से पूछा, तुम इतनी कड़ी मेहनत करके शहद बनाती हो और लोग उसे चुरा लेते हैं, तुम्हें दुख नहीं होता? तब मधुमक्खी ने कहा, नहीं, क्योंकि वो लोग केवल शहद चुरा सकते हैं लेकिन मेरी शहद बनाने की कला को कभी नहीं। इसी तरह हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई कला होती है जिसे हम दिखाकर अच्छे बन सकते हैं, लोगों को अच्छा बना सकते हैं, क्योंकि वो हमारी कला को देख तो सकते हैं लेकिन चुरा नहीं सकते। कद्र करनी है तो जीते जी करें, मरने के बाद तो पराए भी रो देते हैं। आज जिस्म में जान है तो देखते नहीं लोग, जब रूह निकल जाएगी तो कफन हटा हटा कर देखेंगे। किसी ने क्या खूब लिखा है, वक्त निकाल कर बातें कर लिया करो अपनों से, अगर अपने ही ना रहेंगे तो वक्त निकाल कर क्या करोगे? गुरूर किस बात का है साहब, आज मिट्टी के ऊपर हैं तो कल मिट्टी के नीचे। अर्थात हमें एक ना एक दिन मरना तो है ही, लेकिन मरने से पहले अगर अच्छे कर्म का काउंट बनाकर जाएंगे तो अच्छी मौत मिलेगी। अगर मेरे पास एक रुपया और आपके पास भी एक रुपया है और हम दोनों एक दूसरे से बदल लें तो दोनों के पास एक एक रुपया ही रहेगा, किंतु अगर मेरे पास एक अच्छा विचार है और आपके पास भी एक अच्छा विचार है और हम एक दूसरे से बदल लें तो हमारे पास दो दो विचार होंगे, है ना? तो अच्छे विचारों का आदान प्रदान जारी रखिए और अपनी मानसिक पूंजी बढ़ाते रहिए। आज के 10 विचार आपके सामने। हमारे संबंध न केवल हम एक दूसरे से बात करते हैं उस पर निर्भर हैं बल्कि हम आपके लिए क्या सोचते हैं और आप हमारे लिए क्या सोचते हो इस पर निर्भर करते हैं। उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी जब हमें यह विश्वास हो जाएगा कि हर काम परमात्मा की मर्जी से होता है, हमारी मर्जी से नहीं। कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं है बल्कि कुछ बोना है, क्योंकि जैसा बोएंगे वैसा मिलेगा। ज़रूरी नहीं हर गिफ्ट कोई चीज़ ही हो, ज़रूरी नहीं हर गिफ्ट कोई वस्तु ही हो। लव, केयर, रिस्पेक्ट भी बहुत अच्छे गिफ्ट हैं। कभी किसी को देकर तो देखें, बदले में वही मिलेगा। बिना स्वार्थ किसी का भला करके देखिए, आपकी तमाम उलझने ऊपर वाला सुलझा देगा। दो बातें अपने अंदर पैदा कर लीजिए, एक तो चुप रहना और दूसरा माफ़ करना। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ़ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। ज़िंदगी कभी मुश्किल तो कभी आसान होती है, कभी उफ कभी वाह होती है। ना बदलो अपनी स्माइल कभी, क्योंकि इसी से हर मुश्किल आसान होती है। कभी हार मत मानना दोस्तों। याद रखना, कोका कोला कंपनी ने पहले साल में केवल और केवल 25 बोतलें ही बेची थी। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करिए। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। परमात्मा की हर रचना अपने आप में सर्वोत्तम है। डाली पर बैठे हुए परिंदे को पता है कि डाली कमज़ोर है, फिर भी वो उस डाली पर बैठता है, क्योंकि उसको डाली से ज़्यादा अपने पंखों पर भरोसा है। तो इसी तरह अपनी काबिलियत, अपनी सोच पर भरोसा रखें, दुनिया पर नहीं। इसी के साथ धन्यवाद। ओम शांति।